Hi and welcome to India's first interactive mobile news channel Amar Ujala TV. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त इब्रा और आज हम हाजिर हुए हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट स्कूप्स, इनसाइड स्टोरीज और बिग न्यूज़ के साथ। आप हमारे ये शो सप्ताह में दो बार देख सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल ब्राउजर पे टाइप करना है www.amarujala.com और जाना है वीडियो सेक्शन में बॉलीवुड वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का बाई वीकली शो जिसका नाम है बॉलीवुड कॉकटेल। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड कॉकटेल का आज का ये सिलसिला, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के शो की कुछ खास झलकियां। यशराज फिल्म्स ने फोड़ा सीजन का सबसे बड़ा कास्टिंग बम, धूम 4 के लिए अभी फाइनल नहीं हुआ है सलमान का नाम, गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ का नाम कंफर्म। प्रोड्यूसर नंबर 1 वाशु बगनानी को अक्षय कुमार ने दिखा दिए दिन में तारे, फोन पर ही फिल्म के लिए बोल दिया ना, मुलाकात का वक्त तक देने से किया इनकार। हिंदी सिनेमा में फेक न्यूज का एक और मामले का सनसनीखेज खुलासा, सुर्खियों में रहने के लिए उर्वशी रोतेला ने खुद ही उड़ा दी हार्दिक पांड्या से अफेयर की अफवाह। कुल्फी कुमार बाजेवाला के सेट पर पहुंचा अमर उजाला टीवी, देखिए दुनिया की दिल जीतने वाली कुल्फी कुमार उर्फ आकृति से खास बातचीत। और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने दिखाया म्यूजिक रियलिटी शोज को आईना, बोले देश में टैलेंट की कमी नहीं लेकिन गिनती के बच्चे हैं सही रास्ता दिखाने वाले। तो शुरू करते हैं बॉलीवुड कॉकटेल का आज का ये सिलसिला और आपको ले चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ, यानी कि बिग न्यूज। ये खबर आ रही है यशराज फिल्म से। सुनने में आया है कि यशराज फिल्म्स में धूम 4 में सलमान खान को कास्ट करने की बातचीत की जा रही है, लेकिन जब अमर उजाला टीवी ने तहकीकात की तो पता चला कि धूम 4 के लिए सलमान खान का नाम किया जा रहा है रिकंसीडर, जबकि भाईजान की गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ का इस फिल्म के लिए नाम हो चुका है कन्फर्म। संजू की कामयाबी ने दिया सलमान को झटका, धूम 4 के लिए पक्का नहीं सलमान का नाम, रेस 3 के पब्लिक रिएक्शन का असर, कैटरीना कैफ का नाम कंफर्म, रणबीर कपूर को आदित्य चोपड़ा ने भेजा फिलर। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा जब किसी फिल्म की कमान संभालते हैं तो ऐसा ही होता है, और इस बार अगर ऐसा हुआ तो हिंदी सिनेमा का ये सबसे बड़ा कास्टिंग कूप होगा। रणबीर और कैटरीना एक साथ भी और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ भी, दोनों के रिश्ते बिगड़ने के बाद ये पहला मौका हो सकता है जब पर्दे पर दोनों साथ नजर आएंगे। दरअसल ये सब हो रहा है रणबीर की फिल्म संजू को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद। आदित्य चोपड़ा और रणबीर कपूर की दोस्ती बहुत पुरानी है, वैसे आदित्य दोस्त सलमान के भी हैं, लेकिन फिल्म बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट बिजनेस एंड नन ऑफ फॉलिंग स्टार्स बिजनेस। तो सलमान के सितारे नीचे हैं और रणबीर का सूरज शोहरत का आसमान चढ़ रहा है। संजू की कामयाबी से रेस 3 के सिकंदर यानी सलमान को बड़ा झटका लगा है। यशराज फिल्म्स के सूत्रों ने बताया कि धूम 4 के लिए सलमान खान के नाम पर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य यानी विक्टर को फिर से सोचने को कहा है। आदित्य का मानना है कि कहीं रेस 3 को लेकर हुई सलमान की थूथू का असर धूम 4 पर ना पड़ जाए। वैसे भी सलमान किसी फिल्म में आते हैं तो बस अपनी ही हाँकते हैं, और धूम फ्रेंचाइजी ऐसी नहीं है जिसमें आदित्य को किसी का इतना दखल बर्दाश्त हो। करीब 150 करोड़ में बनी सलमान खान स्टार रेस 3 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। दर्शकों को न तो रेस 3 पसंद आई और न ही उसमें सलमान खान की एक्टिंग। दर्शकों ने सलमान खान के नाम पर परोसी गई रेस 3 को पूरी तरीके से नकार दिया, और यही वजह है कि आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों की पसंद बदलती देख ये फैसला लिया। हाँ, सलमान के कहने पर कैटरीना कैफ की एंट्री धूम 4 में कन्फर्म हो गई है। कैटरीना इससे पहले आनंद एल राय की जीरो में शाहरुख खान के साथ और यशराज फिल्म्स की ठग ऑफ हिंदुस्तान में आमिर के साथ नजर आएंगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई। अब बात करते हैं इनसाइड स्टोरी। प्रोड्यूसर नंबर 1 वाशु भागनानी की अब तक की हुई सबसे बड़ी बेइज्जती की। मुंबई में वाशु भागनानी बहुत बड़े बिल्डर हैं और पिछले कुछ सालों में फ्लॉप फिल्में देने में भी रहे हैं नंबर 1। लेकिन जब वाशु भागनानी ने खिलाड़ी नंबर 1 अक्षय कुमार को अपनी अगली फिल्म के लिए कॉल किया तो देखिए क्या हुआ। अपने एक्टिंग करियर के शिखर पर पहुंच चुके खिलाड़ी कुमार अब उस दौर में हैं जब वो किसी भी फिल्म को अपने हिसाब से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें। खबरों के मुताबिक 100 करोड़ क्लब के बादशाह अक्षय कुमार ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की कॉमेडी फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया है।
दरअसल मामला कुछ यूं है। वाशु के बेटे जैकी भगनानी अक्षय कुमार के पास अपनी एक कॉमेडी फिल्म का ऑफर लेकर गए थे, मगर अक्षय ने जैकी का ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद जैकी ने अपने पिता वाशु भगनानी को अक्षय को अप्रोच करने के लिए कहा। जब वाशु ने अक्षय को फिल्म के संबंध में फोन किया तो अक्षय ने उन्हें भी साफ शब्दों में ना कह दिया और फोन काट दिया। अपने नरम रवैये के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड के नंबर वन स्टार अक्षय कुमार ने बॉलीवुड को अनगिनत फालतू फिल्में दे चुके वाशु को किसी और वजह से नहीं बल्कि एक वक्त में अक्षय की अच्छी दोस्त रह चुकी प्रेरणा अरोड़ा की वजह से मना किया है। ये वही प्रेरणा है जिन्होंने खिलाड़ी कुमार की फिल्म रुस्तम प्रोड्यूस की थी। अक्षय और प्रेरणा के बीच कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं बनती। सूत्रों की माने तो प्रेरणा अक्षय को फूटी आंख नहीं सुहाती है। इसी वजह के चलते अक्षय ने वाशु के साथ काम करने से मना कर दिया है। यानी अक्षय ने एक तरह से अपनी पुरानी दोस्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाशु भगनानी की फिल्म को बना करके अक्षय ने यह साफ संदेश दे दिया है कि प्रेरणा के साथ जुड़े वो किसी भी शख्स के साथ काम नहीं करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री में कोई भी हो। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई। हेट स्टोरी 4 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फ्लॉप फिल्मों में काम कर चुकी उर्वशी रौतेला के पास काम तो नहीं है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। आजकल वो अलग अलग देशों में छुट्टियां मनाती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा उठता है कि जब ना ही उनके पास पैसा है और ना ही काम है, तो वो ये ख्वाहिशें पूरी कैसे करती हैं और सुर्खियों में कैसे बनी रहती हैं? चलिए चल के देखते हैं हमारा आज का ये स्कूप। लंबी गाड़ियां, महंगे कपड़े, लाइमलाइट, चमकते फ्लैश, लाखों फैंस और मोटा बैंक बैलेंस। अब अगर किसी के पास ये सब चीजें होंगी तो जाहिर है नखरे भी सातवें आसमान पर होंगे। ऊपर से अगर आप मिस दीवा रह चुकी हो तो क्या कहने। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की। खैर, जो सामने दिखता है जरूरी नहीं वो सच है, क्योंकि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अपनी ग्लैमर से लाखों दिलों पर राज करने वाली उर्वशी रौतेला की ख्वाहिशें कथित रूप से यूएसए यानी अमेरिका में बैठे एक बिजनेसमैन पूरी कर रहा है। चौंक गए ना, इस देसी बाला के महंगी लंबी गाड़ियों में घूमने, विदेशों में छुट्टी मनाने, महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनने जैसे बड़े शौक से जुड़ी ये सब बातें जानकर। यही नहीं, अगर सूत्रों की माने तो हाल ही में आई उर्वशी और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के रिलेशनशिप की भी खबर फेक है, और ये फेक न्यूज भी उर्वशी कैंप की तरफ से उड़ाई गई थी। उर्वशी ने अपने अमेरिकी दोस्त का जिक्र हाल ही में अपने कुछ खास लोगों के बीच किया। ये दोस्त फिल्मी नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से इसका नाता पुराना है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई। आज टीवी की दुनिया में हम आपको लेकर चलेंगे कुल्फी कुमार बाजेवाला के सेट पर, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शो के मुख्य किरदार कुल्फी से और देखेंगे कि उन्होंने सेट पर कैसे मचाया धमाल और अमर उजाला टीवी के दर्शकों को दिखाए अपने अलग अलग रूप। पेटी बिचारा भूख कमारा शक्ल पे बच के पानी बारा तारा तारा। टेलीट्यूब में आज हम आपको लेकर चलते हैं आपके पसंदीदा शो कुल्फी कुमार बाजेवाला के सेट पर, जहां हम आपको मिलवाएंगे आप सबके दुलारे कुल्फी कुमार से। जी हाँ, चौंक गए ना, पर्दे का कुल्फी कुमार दरअसल असल जिंदगी में आकृति है। देखिए किस तरह से कुल्फी दुनिया से बेखबर अपनी को स्टार अमायरा के साथ सेट पर जमकर मस्ती कर रही है। शो को अपने बलबूते टीआरपी की रेस में टॉप 5 पर लाने वाली 7 साल की नन्ही कुल्फी ना सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार हैं, बल्कि वो एक बेहतरीन गायक भी हैं। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए। शायद
गाने में कुल्फी का साथ निभाया उनकी माँ डिंपल ने, जिन्होंने कुल्फी को संगीत की शिक्षा दी है। कहीं जाइए नहीं, क्योंकि कुल्फी के छिपे हुए टैलेंट की फेहरिस्त अभी बहुत लंबी है। मोहित जी, कैसे आप कैसे एक्टिंग करते हो? खबरामत काकी, तू मेरा शेर पुत्र है ना? तो देखा आपने, आखिर सबकी चहेती कुल्फी कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई। हिंदी सिनेमा में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम जैसा साफ दिल इंसान मिलना मुश्किल है। वो जो भी बोलते हैं बिंदास बोलते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं। इस बार इन्होंने अपनी ही बिरादरी को बना लिया निशाना, तो चलिए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मैं ये देखा हूँ कि हमारे कंट्री में इतना टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को ढूंढ के निकाल के उन लोगों को गाइड करने का लोग जो A&R हम बोलते हैं, इनक्यूबेशन A&R, वो लोग का लोग उतना नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ। तो सुना आपने, आखिर सबके दिलों पर अपनी धुनों से राज करने वाले म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने क्या कहा? मैं ये देखा हूँ कि हमारे कंट्री में इतना टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को ढूंढ के निकाल के उन लोगों को गाइड करने का लोग जो A&R हम बोलते हैं, इनक्यूबेशन A&R, वो लोग का लोग उतना नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ। बर्फी, बजरंगी भाईजान, दिलवाले और दंगल जैसी बड़ी फिल्मों में सुपरहिट गाने दे चुके सबके चहेते प्रीतम दा ने वादा किया है कि वो नए टैलेंट को गाइड करेंगे और बॉलीवुड में काम देंगे। प्रीतम दा ने इसके साथ म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों पर भी निशाना साध डाला। बहुत खुश हूँ कि सुनिधि तो मेरा बहुत दिन का दोस्त है और बहुत दिन से पहचानता हूँ, और बादशाह के साथ मैं ऐसे काम किया हूँ रैपिंग में, बट उतना क्लोजली काम नहीं किया हूँ, और इधर बादशाह के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट शो। बहरहाल यूं तो हर रियलिटी शो से पहले हर कोई सिंगर किसी विजेता या टैलेंटेड सिंगर को बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाने या काम दिलाने की बात करता है, मगर हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। अभिजीत सावंत इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर थे। शो जीतने के बावजूद अभिजीत का करियर परवान नहीं चढ़ा। उनकी एक दो एल्बम आई जो कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद उन्हें सिर्फ टीवी शो होस्ट करते देखा गया। 2009 में सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा लिटिल चैंप के विनर हेमंत ब्रजवासी अभी तक एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने राइजिंग स्टार 2 जीता है, जहां शो के जज शंकर महादेवन ने इम्प्रेस होकर उन्हें पहला ब्रेक दिया है। अब बात करते हैं सिंगिंग सेंसेशन मोनाली ठाकुर की। मोनाली खुद रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर आ चुकी है। हालांकि मोनाली वो शो नहीं जीत पाई थी, बावजूद इसके उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में मकाम हासिल किया है। यही नहीं, खुद रियलिटी शो से अपने सफर की शुरुआत करने वाली मोनाली ठाकुर आज खुद रियलिटी शो जज भी करती हैं। श्री रामचंद्रा को आप कैसे भूल सकते हैं? 2010 में इंडियन आइडल 5 के विनर रह चुके श्री राम साउथ इंडस्ट्री में भले ही अपना नाम कमा रहे हों, लेकिन बॉलीवुड में श्री राम के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो देखा आपने कि आखिर रियलिटी शो विजेता आज कहां खड़े हैं? उनसे भी शायद यही वादा किया गया होगा जो आज प्रीतम दा कर रहे हैं। फिर भी देखने लायक होगा कि प्रीतम दा अपना वादा किस हद तक पूरा करते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही। फिल्म इंडस्ट्री की लेटेस्ट और जूसी गॉसिप्स, फिल्म स्टार्स के लिंकअप्स और ब्रेकअप्स, डेली स्कूप्स और इंटरेस्टिंग इनसाइड स्टोरीज के साथ वील बी राइट बैक विद नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच अमर उजाला टीवी।